ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मैं आपको बता रहा था आत्म अभिमानी हम कैसे बने, उसके लिए पांच छह बातें ध्यान से सुनना। मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आत्म अभिमानी बनने के लिए खुद क्या किया था वो बातें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है, अगर आत्मा की अनुभूति करनी है उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। जितना पवित्रता की धारणा करेंगे आत्म अभिमानी बनेंगे। क्यों? पवित्रता की धारणा और आत्म अभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में लाइट बिजली नहीं थी, उस समय घरों में दिया जलाते थे, दिया त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। वो दिए के अंदर केरोसिन डालते हैं तब जाकर दिया जलता है। अगर दिए में तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ सारा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी अगर योग में बैठेंगे, चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी मतलब एक दिया है, और इसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना आपके इस दिए में पवित्रता का तेल है, पवित्र है, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, अपने आप दीपक जलेगा। अगर दीपक नहीं जल रहा है इसका मतलब पवित्रता की कमी है। बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे तुम्हें यहां आना है, पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि पवित्रता के बिना दीपक जलेगा ही नहीं। अब किसी व्यक्ति के पास दीपक नहीं है, अंधेरे में चल रहे हैं, वो कैसे चलेगा? घबराते हुए चलेगा, डरते हुए चलेगा, उसको लगेगा कहीं खड्डा नहीं होगा, वो जो भी पांव डालेगा वो आगे हिम्मत से नहीं डालेगा, मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि अंधेरा है। इसी तरह जो सोल कॉन्शियस नहीं है उसको शंकाई, कुशंकाएं, डर होगा, भय होगा। क्यों? सोल कॉन्शियस नहीं है। इसलिए पवित्रता के द्वारा अपना दीपक जला, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो कोई दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ जलेगा? क्यों? बाती नहीं है। बाती क्या काम करती है? नीचे जो दिए में तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम कौन करती है? बाती। इसी तरह आप पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते हैं, बाबा की याद में नहीं रहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे बुद्धि अपने में लगाओ, ऊपर लगाओ, मेरे में लगाओ। क्यों? बुद्धि जब बाबा में लगाएंगे वो पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी, आत्मा के पास जाएगी, उसे दीपक जलेगा। पवित्रता को यहां पहुंचाने का काम कौन करता है? स्मृति, जिसको बाबा कहते हैं याद, जिसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, ध्यान ऊपर लगा दो। जिसका ध्यान नीचे है उसकी ऊर्जा नीचे चल, गामी। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वो देहभान में आता है, जिसका ध्यान परमात्मा में वो सहज सोल को। इसलिए बाबा को ऊपर याद करना है, घर में नीचे नहीं याद करना। पवित्रता जरूरी है।